वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से तक वॉच करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे तो आप लोग अपने फोन में नहीं खेल पाओगे गॉड ऑफ वॉर 2 गेम को। सो एंजॉय द वीडियो। क्या आप लोग भी अपने फोन में गॉड ऑफ वॉर 2 गेम को प्ले करना चाहते हो? क्या आप भी BGMI फ्री फायर जैसे गेम से बोर हो चुके हो, पक चुके हो, उन गेम्स को खेलते खेलते कुछ नया ट्राई करना चाहते हो? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गॉड ऑफ वॉर 2 गेम, जो कि PS2 के गेम है आप लोगों के एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों के फोन की रैम 1GB रैम है, 2GB रैम है, तो भाई अभी आप लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपके किसी काम के नहीं है। ये वीडियो से वो लोग लिए जिन लोगों के फोन की रैम 3GB रैम है, 4GB रैम है, ये गेम उन्हीं लोगों के डिवाइस में वर्क करेगा। गाइस जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे पिछली वाली गॉड ऑफ वॉर वीडियोस में करा था, उतना ही सपोर्ट मुझे इस वीडियो में भी करना है। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है गॉड ऑफ वॉर 2 एंड्रॉइड कूल रोम। आपको यही सर्च करना है, कुछ भी सर्च नहीं करना है। जैसे आप लोग इसे सर्च करोगे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट होगी coolrom.com की, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। अपनी वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपके सामने जैसे करके इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे डेमोन PS2 करके एक एमुलेटर होगा, इसे आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बिना आपका गेम फोन में वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपको सिंपली उसी पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको PS2 बायस करके एक फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे सबने एक और नया इंटरफेस आएगा, नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, 2MB की फाइल आपको इसे भी डाउनलोड कर लेना है। इसके बिना आप अपने गेम को प्ले नहीं कर पाओगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इन दोनों फाइल को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। अब हमें अपनी सिंपली गेम फाइल को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप इसका साइज भी देख सकते हो, इसका साइज है 5.97 GB। आप अगर रियल गॉड ऑफ वॉर 2 का साइज देखोगे, ये वैसे रियल ही गॉड ऑफ वॉर 2 है, बस इसे हाईली कंप्रेस कर दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने गेम को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, तो मुझे जरूरत नहीं है इस गेम को डाउनलोड करने की। अब आपको अपनी ZHAVR एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको उस फोल्डर में जाना है जहां पर आपने अपनी गेम फाइल को डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये रही हमारी गेम फाइल जिसका साइज आप लोग देख सकते हो, ये है 5.87 GB, ये जो हमने डाउनलोड करी थी रियल गॉड ऑफ वॉर 2 फाइल। अब आपको अपनी फाइल पर वन टैप करना होगा। वन टैप करने के बाद यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट का, आपको यहां पर इस पर क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इसे डिवाइस मेमोरी में आ जाने के बाद गेम्स वाले फोल्डर में आके एक्सट्रैक्ट कर देना है। यहां पर आप ऑलरेडी देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसे एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे सिंपली कैंसिल कर देता हूं। अब हमारा सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। अब आपको सिंपली अपने डिवाइस मेमोरी फिर से जाना है। डिवाइस मेमोरी में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपने जो PS2 BIOS फाइल डाउनलोड करी थी, अब आपको उस पर क्लिक करना है, वन टैप करना है। वन टैप करने के बाद यहाँ पर फिर से एक्सट्रैक्ट, फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिवाइस मेमोरी, फिर आपको गेम्स वाले फोल्डर में इसे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर देना है। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको डायमंड PS2 एमुलेटर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे BIOS नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है इस ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको अपने इंटरनल स्टोरेज में जाना है। जाने के बाद आपको अपने वहीं गेम्स वाले फोल्डर में चले जाना है। गेम्स वाले फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ बिन करके फाइल होगी, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने गेम्स वाले फोल्डर में जाना है। गेम्स वाले फोल्डर में जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज के बाद गेम्स, और गेम्स वाले में यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने है गॉड ऑफ वॉर 2.io। सो जब जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे गेम को ओपन करने के लिए, यहाँ पर आपसे कुछ ऐड देखने को बोलेगा। ऐड के बिना आप लोग अपने गेम को प्ले नहीं कर पाओगे, तो एक छोटा सा ऐड होगा, आप उसे देख लेना। उसके बाद आपको फिर से जो ऐड खत्म हो जाए उसके बाद अपने गेम को सिंपली ओपन करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ हमारा गेम कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। यहाँ पर मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है। एंड मैं आपको अपने डिवाइस का नाम भी बता देता हूँ, मेरी डिवाइस का नाम है Redmi Note 6 Pro। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए। एंड चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।